छह दिन पहले नासिक से मुंबई के लिए कूच करने वाले ये 35,000 से ज्यादा किसान अभी मुंबई के सोमैया मैदान में पहुंच चुके हैं। कल सुबह यहां से ये निकलेंगे तो विधानसभा को घेरेंगे, अपनी मांगों को लेकर 180 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले ये किसान अपनी हिम्मतों से बुलंद हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। ये किसान अभी अभी इस मुंबई के इस मैदान में पहुंचे हैं। सरकार ने ये फैसला किया है कि अभी इन्हें कल तक इस मैदान में रोका जाएगा, कल सुबह इन्हें यहां से विधानसभा की ओर ले जाया जाएगा। मुंबई में सड़कों पर हजारों की तादाद में ये आने वाले किसान आदिवासी इलाकों से हैं, नासिक के गांव से हैं। इन किसानों ने अपने गांव में गांव के समूह बनाकर अपने साथ खाने का अनाज, अपने साथ अपने रहने का इंतजाम पूरा किया, उसके बाद ये किसान मुंबई की ओर कूच कर गए। हमारे साथ एक सुशील जी हैं इस मामले पर लिखने बोलने पढ़ने वाले। सुशील जी, जरा आप हमें बता पाएंगे इस आंदोलन के बारे में, ये किसान मुंबई में पहुंच चुके हैं। देखिए, 200 किलोमीटर से लगभग ज्यादा की यात्रा के ये किसान यहाँ पे आए हैं। यहाँ आए किसानों की कई मांगे, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी मांग है, सबसे प्रमुख मांग है, वो मांग ये है, ये किसान जो अपनी जमीनों की जो अपने जमीन पे अपना अधिकार चाहते हैं। मतलब ये कई सालों से, करीब 150 सालों से ये जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं, इनकी जमीनों पे वन विभाग ने कब्जा कर रखा है। ये किसान जो कह रहे हैं कि ये अपनी जमीनों पर खेती तो करते हैं लेकिन डरे से हमें रहते हैं हमेशा, ये अपनी जमीनों पर अपना हक चाहते हैं, ये इनकी एक सबसे बड़ी मांग है। अच्छा, ये किसान पिछले 6 दिनों से यहाँ पे चलते हुए आ रहे हैं और अभी तक बहुत सारे किसानों ने पैदल यात्रा की, उसमें उन्हें परेशानी हुई है, कुछ लोगों के पैरों में चोट है, और हम कोशिश करेंगे कि ये किसानों से आपकी बात करवाएं। आप लोग, आप कहाँ से आए भैया? नासिक से है ये, नासिक के और भी छोटे छोटे गाँव से ये सारे लोग हैं। और देखिए, ये भीड़ है जो कम नहीं हो रही है, लगातार ये लोग चले आ रहे हैं, किसानों की बुलंद आवाज है। अच्छा सुशील जी, अपनी जमीन के अलावा इनके पर इनकी और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, किसान जो कह रहे हैं कि जब अपने जमीनों पर अपना हक पा लेंगे, इसके बाद जो सबसे बड़ा जो इससे पूरे देश में किसानों की जो मांग है वो है कर्ज माफी का। फिर कर्ज माफी की मांग अपनी सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन इस समय जिस मांग के लिए यहाँ से आए हैं नासिक से, वो उनका ये सबसे बड़ी मांग ये है कि इनको अपनी जमीनों पे अपना हक मिलना चाहिए। तो इनकी जमीनों पे इनका हक का मतलब अगर आप समझाएं तो किस अभी उस पर किसका हक है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस समय इनकी जमीनों पे जो है वन विभाग के लोगों ने कब्जा कर लिया। दरअसल जो इनकी जमीनें इनके नाम पे नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार इनको बकायदा प्रमाण पत्र बना कर दे और जमीनों पर इनका अधिकार दिलाए। जिस जमीन पे करीब 100 या 50 सालों से खेती करते आ रहे हैं, ये इनके नाम पर ट्रांसफर की जाए जमीन, ताकि ये बिना डरे समय अपनी जमीन पर खेती कर सके। तो वन विभाग ने कब्जा किया या फिर वन विभाग की पहले से वो जमीन थी, मामला क्या है? देखिए, पूरा का पूरा मामला ये है कि ऐसा वन विभाग ये नहीं कह सकते कि वन विभाग ने इन पर कब्जा किया। ये जो किसान ये आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं, ये पहले से ही जंगलों में रहते आए हैं और वहाँ पे ही खेती करते रहे हैं। ये पढ़े, जैसा कि अभी हमने किसान से बात किया कि आखिर आपकी जमीनों पर वन विभाग के लोग आए कैसे, ये कहते हैं कि हम नहीं जानते वन विभाग के लोग कैसे आए, हम तो जहाँ रहते थे हम तो आज भी वहीं पे हैं, लेकिन वहाँ पे हम पढ़े लिखे नहीं थे, इसके लिए हम अपने जमीनों पे अपना हक नहीं ले सके, लेकिन आज हम जागरूक हुए हैं और आज हमें पता चला कि वो जमीनों पे अपना हक कैसे लेंगे, इसलिए हम लड़के चाहे जैसे जमीनों पे अपना हक लेके रहेंगे। आप देख रहे हैं इसमें बहुत भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अभी हमने किसानों से बात जब हम लोग कर रहे थे तो ये बात सामने आई कि इनके घरों पर सिर्फ एक या दो लोग बाकी हैं, जो बच्चे हैं या तो बेटी हैं या बेटे हैं, बाकी किसान अपना सामान लेकर इस आंदोलन में शामिल हैं। और सुशील जी, अभी जब आप बता रहे थे मुझे, किसान बता रहे थे कि वो इस हिम्मत से आए हैं कि वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बड़ा, अभी हमने किसान से बात करे तो वो करीब 65 साल के थे, तो उनसे जब मैंने बात किया कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतनी दूर करीब 200 किलोमीटर आप पैदल चल के आ गए और आपको रास्ते में कुछ हो जाए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मरे हुए को क्या डर लगना, मतलब आप सोच सकते हैं ये कैसी बात है कि किसान अपने आप खुद से पहले से मरा हुआ मान ले रहा है। मतलब ये हमारे शासन के इससे बड़ा दुख की बात और क्या हो सकती है, ये किसान खुद कह रहा है हम तो पहले से मरे हुए क्या मान रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें पहले तो ये CPIM की जो विधायक है उन्होंने शुरू किया, इसलिए इनके हाथों में आपको ये झंडा दिखेगा, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी अभी इन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया है।
तो इसमें कौन कौन सी पार्टियां शामिल है? देखिए ये सीपीआईएम ऐसा हम नहीं कह सकते, ये पूरा का पूरा ये जो आंदोलन सीपीआईएम की सिख कैडर ऐसा है कि ये सीपीआईएम की जो एक किसान इकाई है वो इसने लोग किसानों को एकजुट किया। जैसे वहाँ के जो उनके स्थानीय विधायक है गावित, तो अभी हम किसान से बात कर रहे थे क्या आप सीपीआईएम, तो वो कहते हैं हाँ सीपीआईएम के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या एनसीपी को सपोर्ट करते हैं या सीपी को सपोर्ट करते, ऐसे कई किसानों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ हम जब आते हैं भले हमारे हाथों में आपको जो झंडा है वो भले ही आपको मार्क्सवादी का दिख रहा है, लेकिन हम सब एक किसान है और हम एक किसान की मांग को ही यहाँ पे रखने आए हैं, हमें यहाँ पे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हाँ, उन्हें अपनी जमीन वापस चाहिए, वो इस मांग के साथ आए हैं। ये मैदान आप पूरा देखिए, धीरे धीरे ये मैदान भरता जा रहा है और इस मैदान में ये मुंबई का मैदान है, देखिए क्या कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ पर फैशन की ब्रांड की बात की जाती है, वहां पर ये किसान अपनी मांग को लेकर आए हैं। ये सब आवाजें देख रहे हैं, ये इनके गांव की आवाजें हैं, इनके गांव के नाम के साथ यहां पर अलग अलग तंबू मान लीजिए या फिर अलग अलग वो बनाए गए हैं जहां पर इनका खाना तैयार होता है, जहां पर इनकी गाड़ी खड़ी है, जहां पर ये जाकर खाना खाएंगे। तो इन्होंने अपने खाने का इंतजाम, अपने रहने का इंतजाम अपने गांव से गाड़ी बुक करके यहां तक आए हैं। तो ये उन उसकी ओर बढ़ रहे हैं जहां पर, हालांकि कुछ पार्टियों ने भी इनके खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन पहले से ही ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं जिन्हें ये खाएंगे पियेंगे। बड़ी तादाद में हम महिलाएं भी शामिल हैं जो इस आंदोलन में आई हैं, और जैसा मैंने बताया कि हम इनके आने से पहले जब किसानों से बात कर रहे थे तो उन्होंने वही कहा कि हम जब घर से निकले हैं तो मारने की कसम खा के निकले हैं कि या तो सरकार मानेगी या फिर हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं? वाड़ा से नासिक के पास। तो आप पलघर जिला से? तो आप भी पैदल आए इनके साथ? हाँ पैदल आए। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से? अभी इस बार तो हम लोग की पूरी जो खेती की जरूरत है वो सब मांगे हैं, तो कर्ज मुक्ति देना हाँ। चाहिए वो अभी तक दे नहीं, वन जमीन का जो है वो आज तक सरकार ने पूरी तरफ से दिया नहीं, 10 एकड़ का हुआ था लेकिन उसने 1-2 गुंठा दिया है खाली, तो उसमें का आदमी लोग क्या खेती करेंगे हाँ। उसके जो खेती वाले लोग है हाँ। उसको आत्महत्या करने से दूसरा कौन सा इलाज नहीं है उनके पास, इसलिए सब परेशानों कितना आंदोलन किया, माँ मुकाम नासिक में किया, बाद में इधर वाड़ा में एक पालक मंत्री के ऊपर विकास आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सौरा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, घिरावा डाला था, दिल्ली में जाके आए, कितने घूमे लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके लिए बाद लॉन्ग मार्च का ये लास्ट अभी टाइमिंग आ गया, लॉन्ग मार्च के ऊपर दूसरा कुछ नहीं अभी करने का, एन में वो आए और विधानसभा के ऊपर घिरावा डाल के तब खेती वाले का कुछ तो हो जाएगा इस तरह। अभी हम लोग इस उम्मीद को साथ आप ले रहे हैं। आपके आपके साथ आपके गांव के कितने लोग आए हैं? मेरे गांव के 1500 लोग आए हैं। 1500 लोग आए हाँ। तो फिर गांव में बचा कौन है? गांव में तो बहुत है ना, पूरा तालुका है हमारा, वाड़ा तालुका है हाँ। उसमें तो बहुत बड़ा तालुका है वो, तो लगभग हर घर से एक एक दो हाँ, एक एक आदमी आए, किसी के दो आए, किसी का एक आया, ऐसा है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अगर मान लिए सरकार 1-2 दिन तक मांग नहीं मानती है फिर? वो तो हम लोग बेमुद्दत रखा है, जब तक मानेंगे नहीं तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं, आप वहीं पर रहेंगे हाँ। सब खाने के लिए सब लोग घर से चावल राशन पानी सब लोग लेके आए हैं हाँ। और सब लोग बनाते हैं, और यहाँ के जितने भी खेती वाले लोग हैं, यहाँ के इतर पक्ष है, वो सब लोग ने हम लोग को मदद की है खेती वाले किसानों को, वो बीजेपी हो, बीजेपी ने मतलब शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस मनसे जितने भी यहाँ के पक्ष है, शेतकरी कामगार पक्ष है, सारी पार्टियों को सब पार्टी में खाली बीजेपी छोड़ के हाँ, जिसकी सत्ता है वो छोड़ के सभी पार्टी ने राजकारणी लोग ने मदद की है। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात मानेगी, और बहुत थके हुए लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ काफी संख्या में लोग इस तरह से। काकी आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई हैं? तुम्हें कुटू नाला है? वाड़ावरुण नाला। तुमची मांगणी काय आहे सरकार से? शासनाची मागणी काय? काय पाहिजे तुम्ही? आमची मागणी हाँ शेतीची मागणी हाँ, जमिनीची हाँ, जमिनीची कार्डाची राशन कार्ड नाही आहे ना,
पण हे मोदी सरकारने एवढा धाने घ्या तेवढा घ्या तीनवाला कार्ड, तर तीनवाला कार्ड तो आम्हाला 10 किलो न 5 किलो दे नि 25 किलो भेट आम्हाला 10 किलो गहू. तुम्हाला 10 किलो गहू भेटत नाही? भेटत भेटत, पण 25 किलो मिळायला पाहिजे. आपके साथ और कोण कोण आहे आपके गाव? पहिले 35 किलो मिळत होते, 35 किलो तांदूळ. आणि आता आता किती मिळत? 25च भेटत. 25 10 किलो तो कापला. अच्छा, त्याच्याबद्दल हे काय काढलं मूर्ती? कोण कोण आहे तुमच्या बरोबर? कोण कोण आलाय तुमच्या गावात? आता तुमची वय किती आहे? माझी असं 60-70. काय किती? 60-70 80 असेल. 60-70 ते जास्त आहे. पहिले शाळाने शिकेल, आताची पोरं शाळा. पहिले तुम्ही चाललाय 200 किलोमीटर नाशिक वरून पैदल आला? पैदल आहे आम्ही यहाँ तक. अच्छा, आपके यहाँ पे कितना खेती है? तुमच्याकडे शेती किती आहे? फॉरेस्ट प्लॉट आहेत ना एवढे? फॉरेस्ट प्लॉट आहे तुमच्याकडे? एक गुंठा खेत. दोन तीन गुंठा आहे तुमच्याकडे शेती? आणि काय काय तुम्ही त्या शेतीमध्ये करते? भात, चावल आप करता? भात आणि काय? मुगफली पण करते. आणि तुमची समस्या काय आहे वन विभाग ती? तुमची समस्या काय आहे सरकार वन विभाग ची? तुमची समस्या वन विभाग काय? तुमची शेती वरून काय करतास वन विभागच्या लोकांना? आम्हाला ते काय करते? आम्ही स्वतः कष्ट करतो, नांगर घ्यायचा, ट्रॅक्टर घ्यायचा, उकळून घ्यायचा, पेरणी करायची, भात लावायचा, हे सगळं तुम्ही स्वतः करायचे. चलिए पावले आप देखिए, इतना बड़ा मैदान जहाँ पर लोग आए हुए हैं. तो सुशील, हम जानना चाह रहे, जैसे अभी ये लोग यहीं पर सोने वाले हैं, उसके बाद सुबह इनका क्या प्लान है आगे जाकर? जैसे अभी ये लोग यहाँ पे रुकेंगे, अभी इनके नेता आएंगे गावित, जो यहाँ के जो विधायक है, इनके स्थान जिनके नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी इनका यहाँ पे कुछ थोड़ा भाषण होगा. इसके बाद सुबह इनकी योजना है कि सुबह ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है होते हुए यहाँ से ये विधानसभा के लिए निकलेंगे चर्च गेट, और वहाँ जाके विधानसभा घेराव करेंगे. अच्छा, तो विधानसभा के आसपास ऐसा कुछ क्षेत्र है जहाँ पर इतनी भारी संख्या के लोग वहाँ रह सकते हैं? देखिए, विधानसभा जहाँ पे, विधानसभा के पास तो ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ, विधानसभा के पास आजाद मैदान है, वहाँ पे ये रुक सकते हैं. अगर कोई जगह है जो यहाँ पे लगभग एक लाख की तादाद है, और वो जहाँ विधानसभा है वो मुंबई का मुख्य क्षेत्र है, चर्च गेट के आसपास का जो एरिया, तो जाहिर सी बात है जब किसान वहाँ पहुंचे, कल सोमवार का दिन रहेगा और सारे दफ्तर वहाँ खुलेंगे कि कल यहाँ तक चले जाएंगे, तो शहर में रुकेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जब तक इनके पीने के पानी को लेकर या शौचालय को लेकर वहाँ आसपास. अभी हमने यहाँ पे देखा, इतने किसान आए हैं, करीब 50,000 करीब लोग यहाँ पे आए हैं, कुल मिला के मुश्किल 20-25 पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था होगी. तो ये अगर सच में, अगर सरकार चाह रही है कि किसानों की समस्याओं को सुने, तो अगर ये जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे कम से कम पीने की पानी और जो पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था इनके लिए वहाँ पे होनी बहुत जरूरी है. अभी इन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया है. खाना पीना शुरू करने के बाद ये लोग यहाँ पर आराम करेंगे, कल फिर वहाँ मार्च करेंगे. वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि कल आपको वहाँ से सीधे इनसे जोड़ सकें. बाबा, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? अभी तो आमची कंपनी को सुन रहा है. तुम्ही कुठे येतात? आम्ही कुठून आला तुम्ही? आम्ही नाशिकहून आलो. नाशिक? तुम्ही काय मागाय? तुमची काय समस्या आहे? आपले प्लॉट, प्लॉटाची जमीन जमिनीची फॉरेस्ट प्लॉटाची. तुमची जमिनीवर काय फॉरेस्ट लोकांनी काय कब्जा केला आहे? काय केला आहे? आम्ही आमचे तुमचे ताब्यात आहे तेवढी आम्हाला मोजून पाहिजे. तो अभी आपके पास नाही आहे आपकी जमीन? जमीन तुमच्याकडे नाही आहे? मी नाही. अभी तुम्ही पाहिजे? और काय काय मांग आहे? काय काय पाहिजे तुमची? आमचा हे कर्ज माफी पाहिजे शेतकऱ्याला. ही प्रत्येकाला सगळ्यांना कर्ज माफी झाल्याच पाहिजे. आप लोग, आप 200 किलोमीटर पैदल चल के आए? हाँ, पाई पाई. तो आपको रास्ते में क्या क्या समस्या हुई?
चलते चलते कोणी समस्या झाली तुमच्याकडे? हा, समस्या दिली ना बाकीच्या लोकांनी, पाठिंबा दिला ना प्रत्येक पक्षाने पाठिंबा दिला ना. तो आप लोग कितना कितना किलो आज किती झालाय ते नाही सांगताय ना आम्हाला. आज इतके किलोमीटर झालाच असेल. आणि तुमच्या इतनी इतना इतना तुम्हारा आपका उम्र है इतना आपका तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ वहां से आ तक आते हुए? तुमची इतकी जास्ती वय आहे तुम्हाला? माझी माझी वय आहे 67. 67 67 हां 67. तुम्हाला आणखी काही प्रॉब्लेम झाला नाही?